यही बधाई देना चाहती हूँ कि मेरा जो वार्ड मेयर साहब हुई हैं रूबी तिवारी, और बहुत अच्छी हैं और लगता है कि अच्छे काम करेंगी, हमारे सब 4500 वार्ड के विकास करेगी। जो काम रुका हुआ है उस काम को हमारे आगे बढ़ाते हुए हमको सबको मिलाकर चलेगी। हमारे रूबी देवी अच्छी अच्छी हैं और हमें भी चाहेंगे कि मैंने 3 साल तक ले हमारे साथ अच्छे ही रहेगी और हमारा काम वार्ड के बढ़ाते रहेगी। जो काम रुका है उसको आगे बढ़ाएगी और जो बाकी काम है उसको भी लेकर चलेगी। उप मेयर को क्या कहना चाहेंगे मैम? हमारे उप मेयर भी है तो बहुत अच्छी है, बोलने में भी चलने में भी मंद हर चीज़ में भी वो भी अच्छी है। हम भी ये भी चाहते हैं कि मेरी उप मेयर है जो बहुत मैंने मिला जुला कर चलेगी पुष्पा देवी, काम भी लेकर चलेगी, वार्ड के विकास भी करेगी, 4500 वार्ड के जो काम रुका हुआ है वो सब मिला जुला कर अपन करवाती रहेगी। मैम जो प्रस्ताव पत्र पिछले मेरे खिलाफ आप लोगों ने डाला था, क्या वजह थी प्रस्ताव पत्र डालने की? अब यही तो मैंने लोग चाहता था कि मैंने कि काम नहीं हो रहा है और नहीं तो मैंने मेयर आएंगे तो काम करेंगे, तो हमारे रूबी देवी को चुना हुआ है तो यही चाहेंगे कि जितने माने कि रूबी देवी को हम लोग चुने हुए हैं तो रूबी देवी हमारी काम करके दिखलाएगी। क्या लगता है आपको काम करेंगी? लगता है कि तो काम करेगी। अभी तक आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या क्या है? रोड गली है और कोलानी माने पास हो रही है, कागज भी नहीं है उसका भी चाहते हैं कि माने कि हो जाए तो अच्छे होगा। क्या लगता है मैं मेयर आपको कोई मदद करेंगे? लगता है तो कि माने करेंगी, बहुत उम्मीद है कि माने हमारी रूबी तिवारी करेगी और सब करते रहेगी और हमारे माने सब मांग है जो पूरा करेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप रूबी देवी जी को? हमारे रूबी कुमारी को लाख लाख बधाई हो कि 3 साल, आप पुष्पा देवी को बधाई हो कि 3 साल हमारे काम के वार्ड के माने लेते चले और 3 साल हमारे काम है वार्ड में, तो उसको रुकना नहीं चाहिए, जितना काम है उसको बढ़ाते चले और जितना काम रुका है उसको कर देख लें। अपना नाम बोलिए। हमारे नाम है वार्ड नंबर 1 का सुनीता देवी, वार्ड पार्षद।